नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार आज फिर से आपके लिए एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। लेकिन साथियों से पहले मैं बताना चाहता हूँ, मतलब आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को मतलब सावधानी बरतें, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्तमान समय में कैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं देश में और विदेश में। ठीक है साथियों, और बिल्कुल पॉजिटिव रहना, घबराना नहीं है बस। ठीक है, मतलब अपने आप को सकारात्मक रखें और घर पर ही रहकर पढ़ाई करें। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अच्छा सेट है, प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा है ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, आनंद कादामनी के संपादक कौन है? देखिए साथी, आनंद कादामनी एक बहुत अच्छी मतलब पॉपुलर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप पूछी जाती है ये। और इसके जो लेखक हैं वो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है, इनका पूरा नाम प्रेमघन भी है, प्रेमघन। साथियों तो याद रखना है, ये भी लिखा जाता है कभी कभी भी, सिर्फ इतना सा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, शॉर्ट में इनको प्रेमघन भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? देखिए साथियों, प्रेम सागर ये बहुत पुरानी कहानी है, रचना है ये लल्लू लाल जी की है। ठीक है साथियों, याद रखना है लल्लू लाल जी की है प्रेम सागर। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, 53 है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? देखिए साथियों, चिंतामणि एक निबंध संग्रह है और ये आपका हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है साथियों, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये भी कई बार देखी गई है। चलिए जी ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवारा मसीहा जीवन में किसका जीवन चरित्र है? देखिए साथियों, जो आवारा मसीहा है वो एक जीवनी है और इसमें जो जीवन चरित्र दिया गया है वो शरदचंद चट्टोपाध्याय जी का है। ठीक है साथियों, याद रखना है आवारा मसीहा एक जीवनी है, ये भी याद रखना है। बहुत सी बार सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि आवारा मसीहा किस प्रकार की करती है, मतलब जीवनी है, आत्मकथा है, तो वहाँ ये याद रखना है ये जीवनी है और इसके अंदर शरदचंद चट्टोपाध्याय जी का जीवन चरित्र दिया हुआ है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, जो थोड़ा सा अलग है। पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता जो कहानी है उसके लेखक ज्ञान रंजन जी हैं, याद रखना है आपको ज्ञान रंजन जी। मेरे सामने तो एक सवाल पहली बार आया है। ठीक है साथियों, चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? चलिए साथियों, मैं बात कर रहा था 56 क्वेश्चन की, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? जी हाँ, ये प्रभा खेतान की रचना है। ठीक है, याद रखना है ये आपकी जो 6 रचनाएं थी। और अब आपका स्टार्ट होता है हिंदी व्याकरण। ठीक है साथियों, चलो ध्यान से समझना है। खै, जी हाँ, कै वर्ण का जो दूसरा शब्द है, दूसरा व्यंजन है खै, वो किस प्रकार का है? तो मैं आपको बताऊँ, ये अघोष व्यंजन है। देखिए साथियों, मैं तो आपसे बताना चाहता हूँ, जो शुरू के दो होते हैं किसी भी वर्ग के, कै और खै, ये आपके दोनों अघोष होंगे। ठीक है साथियों, अघोष, और बाद के तीन जो बचते हैं, बाद के तीन वे आपके सघोष होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है ये बात भी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको ध्यान से समझना है, आप गलत कर सकते हैं या ऐसा हो सकता है आपके समझ ना आए। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? देखिए जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए साथियों पहले तो जातिवाचक को समझे और व्यक्तिवाचक को, आप फिर इनसे क्लियरली समझ पाएंगे कि क्या पूछा गया है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, संज्ञाओं के भेद में संज्ञाएँ 5 प्रकार की होती है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। दूसरा, आपका जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो किसी पूरी जाति को दर्शाती है, जैसे मैं आपको कहूँ कुत्ता, या मैं कहूँ गाय या भैंस, तो यानी कि वो पूरी संपूर्ण जितनी भी गायें हैं सबकी पूरी जातियों को दर्शाती है। ठीक है, या मैं कहूँ आपका किसी नगर का नाम लिया जाए तो वो जातिवाचक के अंदर आता है। और व्यक्तिवाचक का मतलब होता है यानी कि वो किसी पार्टिकुलर नाम, समझ रहे होंगे ना, व्यक्तिवाचक क्या होता है, किसी चीज़ का, जैसे मान लिया हम कहें मोहन, यानी कि वो एक नाम है और वो उसका वो व्यक्तिवाचक है। तो इसने कहा है कि इसमें कौन सा युग्म गलत है। ठीक है साथियों, तो आप देखोगे इसके अंदर आपका ये पहला ही युग्म गलत है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है साथियों, पहला आपका कुत्ता है यानी कि वो जातिवाचक है, लेकिन जो पिल्ला है वो भी जातिवाचक ही है, वो आपका व्यक्तिवाचक नहीं है, समझ में आ रही है ना बात। अब विषय हम सबको देखते हैं नगर, देखो नगर में आपका जातिवाचक है क्योंकि नगर से विभिन्न नगरों की हमें जाति मतलब विभिन्न नगरों का महसूस होता है, और जयपुर सिर्फ एक का नाम है यानी कि ये व्यक्तिवाचक है, जयपुर व्यक्तिवाचक है, नगर जातिवाचक है। इसी प्रकार पर्वत और हिमालय, पर्वत से हमें संपूर्ण पर्वत का पता लगता है, बहुत सारे पर्वतों के बारे में हमें ज्ञान होता है, और हिमालय एक पर्वत है, तो आप समझ रहे होंगे ये भी आपका है
ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये आपका गलत है। और इसने पूछा है युग्म गलत कौन सा है, तो इस प्रकार आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। उष्म महाप्राण वर्ण है उष्म। ठीक है साथियों, अगर आपको याद हो आपके चार महाप्राण, चार उष्म होते हैं। उष्म का मतलब यानी कि जिस जिनको हमें बोलने पर उष्माशी उत्पन्न होती है, जैसे श श श और है, ये आपके चार वर्ण आपके उष्म उष्म वर्ण है। ठीक है साथियों, याद रखना है। तो इसने पूछा है नहीं उनमें से कौन सा है, तो इसमें से सह गिविन है ना, ये वाला षटकोण वाला सह दिया हुआ है, तो आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, भानुदेय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। देखिए साथियों, भानुउदय यानी कि इसमें भानु और उदय, ठीक है, भानु पे उ की मात्रा आएगी, ठीक है, और इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इसके अंदर दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है साथियों? दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि, ठीक है। देखिए साथियों, क्वेश्चन के साथ साथ जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप नोट कर लिया करो। जो मैं ये क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसको ध्यान से सुना कीजिए, ठीक है। उससे भी कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, कभी कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। देखिए निर्गुण, निर्गुण का संधि विच्छेद आपका ये होगा निः प्लस गुण, ठीक है। और मैं आपको और बात बताऊँ, ये विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है साथियों? विसर्ग संधि। ये मैं कुछ लोग ऐसा सोचते हैं निर्गुण है रहा है तो ये लगा दीजिए, जी नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये विसर्ग संधि है इसमें, और इसमें विसर्ग आते हैं। चलिए जी देख लेते हैं, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। देखिए प्रत्येक में प्रति प्लस एक है, प्रति प्लस एक, और मैं तुम्हें बताऊं प्रति एक में ये आपकी यण संधि बनती है, ठीक है साथियों। और इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका? इसमें आपका ऑप्शन होगा प्रति जमा एक, याद रखना है आपको ये वाला ऑप्शन, सॉरी ये नहीं होगा प्रति एक, ये वाला होगा, ठीक है, ये ऐसा नहीं आएगा प्रति एक, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, 63, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। देखिए साथियों, आप जानते भी होंगे वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। कोई भी वाक्य हो वो तीन ही प्रकार का हो सकता है, या तो सरल होगा या मिश्र होगा या संयुक्त होगा, ठीक है। तो इसने कहा नहीं है, तो आपका आज्ञार्थक वाक्य कोई नहीं होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा आज्ञार्थक वाक्य, ठीक है साथियों, इसने नहीं पूछा है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, दोराहा शब्द का उदाहरण है। देखिए साथियों, दोराहा में दो शब्द है, यानी कि पहला शब्द आपका कैसा है? संख्यावाचक है। आपका पहला शब्द संख्यावाचक है यानी कि नंबर है, और जिस समास में प्रथम पद आपका संख्यावाचक होता है, नंबर होता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है, याद रखना है वहाँ पे कौन सा समास होता है? द्विगु समास। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, घर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए साथियों, घर का पर्यायवाची नहीं, घर निकेतन भी घर होता है, भवन भी, गृह भी, आप सब जानते हैं, लेकिन निप नहीं होता, ठीक है। तो इसने कहा नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा निप। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, खंडन का विलोम होगा। देखिए साथियों, खंडन का अर्थ लगा लीजिए, पहले खंडन का मतलब होता है, खंडन होता है यानी किसी चीज़ को तोड़ देना, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर देना, उस वो होता है आपका खंडन करना। और मंडन का मतलब होता है यानी कि उस चीज़ को हमें मतलब जोड़ना, समझ में आ रही है ना बात साथियों? तो इसका विलोम हो जाएगा मंडन। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वन वर्ड सब स्टेशन है, जो बांटा ना गया हो उसके लिए एक शब्द चुनिए जो बांटा ना गया हो। बांटने का मतलब होता है साथियों, बांटना बोलते हैं विभक्त करने को, बांटना होता है विभक्त करना। और इसने कहा जो बांटा न गया हो, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा अविभक्त, यानी कि सी हो जाएगा आपका, ठीक है। अनुकंपा तो आपको, देखो मैं अगर इनके अर्थ बताऊँ, अनुकंपा क्या होती है? अनुकंपा का अर्थ होता है यानी कि एक प्रकार से दया दया करना, अनुकंपा करना, कृपा करना। अनिश्चय क्या होता है? जो निश्चित ना हो। अविकार क्या होता है? जिसके अंदर कोई विकार न उत्पन्न हो, यानी कि जू का त्यू, ठीक है। और अविभक्त होता है जो बांटा ना गया हो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, उजला का तत्सम रूप है। देखिए साथियों, उजला का जो तत्सम रूप है वो उज्ज्वल है, ठीक है, ये आपका एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पुराण का तत्सम है। साथियों, पुराण का तत्सम है आपका पुराण, ये शब्द संस्कृत का है और ये आपका हिंदी का है, यानी कि तद्भव शब्द है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए साथियों, स्वयंवर में आपका स्वयं आपका उपसर्ग है और वर इसका अलग है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? स्वयं। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा है,
किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? देखिए उपसर्ग और प्रत्यय की मैं अगर मैं बात करूँ साथियों, उपसर्ग और प्रत्यय छांटने के लिए आपको दोनों अक्षर अलग अलग लिखने होते हैं और उन दोनों का अर्थ भी होना चाहिए, ठीक है। तो कुरूप कुरूप होता है आपका, कु अलग हो जाएगा, रूप अलग हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों के अर्थ निकलेंगे। कुशल, देखिए साथियों अगर हम कु और सल को अलग अलग कर देंगे तो ये आपका सल का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए कुशल में उपसर्ग नहीं इस्तेमाल हुआ है, ये आपका एक यूनिक शब्द है, ठीक है, एक पूरा शब्द है, कंप्लीट शब्द है। कुकर्म में भी है, कुचाल में भी है, इनके चाल अलग कु अलग, ठीक है, इसने कहा उपसर्ग नहीं है तो आपका इस प्रकार से ऑप्शन हो जाता है आपका कुशल, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आपका, ये तो आपका इजी सही क्वेश्चन है, काफ़ी लोग इसको देखते ही बता देंगे, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? आपको पता है इन लास्ट में लगाया जाए, प्रत्यय लास्ट में लगाए जाते हैं और ये पुजारिन में है, पुजारिन, ठीक है, इनमें तो अगर इनमें लगाएंगे तो ये इनके अर्थ नहीं बनेंगे, तो ये नहीं होंगे, ठीक है, अर्थ भी होना चाहिए अगर आप प्रत्यय या उपसर्ग को अलग करते हैं तो। चलिए जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, किस समूह के शब्दों में प्रत्यय है? यानी कि ये तीन तीन शब्द दिए गए हैं इसने और इसमें सब में प्रत्यय होना चाहिए। देखिए अधर्म, अधर्म में प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग है इसमें, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है, सामान्य और इनमें नहीं है। दयालु, देखिए लू, दया अलग होता है, लू अलग होता है, तो इसमें आपका कौन सा उपसर्ग है? लू है। तीसरे में डिबिया, इसमें इया है। चौथे में अज्ञानी, में अज्ञानी, इसमें ई है, ठीक है ना, अज्ञान होता है ना, अज्ञान, तो इसमें ई है आपका, तो इसके अंदर आपके तीनों में प्रत्यय हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। 74 एवं 75 के लिए समानार्थ शब्दों में से जो गलत है उसका चयन करना है, यानी कि गलत जो शब्द है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं हम इसको, अर्क, अर्क से कौन अलग है? देखिए अर्क का अर्थ सतु भी होता है, ठीक है ना, अर्क का सही मायने में अगर हिंदी अर्थ बताऊं तो अर्क होता है किसी चीज़ का हमें जूस निकालना, ठीक है ना, सूर्य भी होता है, तांबा भी होता है, बुध ग्रह नहीं होता, ठीक है ना, बुध ग्रह नहीं होता, बुध ग्रह का नाम होता है, इसका मतलब अर्क नहीं होता, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बुध। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, तप का क्या क्या अर्थ होता है? तप साधना भी होता है, आप सब जानते हैं, तप करना, साधना करना। शिव तप का अर्थ नहीं होता, गर्मी भी होती है तप माने कि बहुत तप हो रहा है आज, ठीक है, धूप भी होता है, शिव नहीं होता, ठीक है, तो इसने गलत छांटने को कहा है ऑप्शन में, तो इसमें शिव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, घोड़े बेचकर सोना कहावत का अर्थ है? देखिए साथियों घोड़े बेचकर सोने का अर्थ होता है बिल्कुल बेफिक्र होकर सो जाना, ठीक है ना, बेफिक्र होकर सो जाना, ये होता है घोड़े बेचकर सोना। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा है अभी, अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए कौन सा मुहावरा है? अनिश्चितता, यानी कि हमें कुछ भी निश्चित नहीं है क्या होगा, ठीक है साथियों, जैसे बंद मुट्ठी में क्या है, ये ऑप्शन नहीं होगा इसका, बंद मुट्ठी में क्या है, ये नहीं है, बंद मुट्ठी जो मुहावरा होता है वो अनिश्चितता के लिए नहीं लगाया जाता, ठीक है ना, बंद मुट्ठी का होता है संगठन, एकता, ठीक है ना, बंद मुट्ठी का जो मुहावरा होता है वो संगठन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पर्दे के पीछे कौन है? पर्दे के पीछे कौन का मतलब भी यही कि रहस्य की बात होती है इसमें, ठीक है, न जाने भाग्य में क्या होगा ये भी नहीं है, न जाने भाग्य में क्या होगा ये भी मुहावरे को नहीं दर्शाता, और बचता है आपका ये न जाने ऊँट किस करवट बैठेगा, ठीक है ना साथियों, न जाने ऊँट किस करवट बैठेगा, इसका अर्थ होता है अनिश्चितता, तो डी ऑप्शन होगा इसका। चलिए जी नेक्स्ट है, निर्देश पढ़ लेते हैं, पहले 78 एवं 79 के लिए काले छपे शब्दों का शुद्ध रूप देखना है, ठीक है जी, शुद्ध रूप छाटना है इसमें, काले शब्द, देखिए इसमें काले जो काला शब्द है वो वाल्मीकि है, वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं। देखिए साथियों मैं तुम्हें बताऊं, वाल्मीकि जो शब्द है वो शुद्ध शब्द क्या है? इसमें वाल्मीकि ये नहीं होगा, इसमें बा बना है, बा नहीं होगा, ठीक है ना, और इसका ये शुद्ध रूप होता है, जो कैप मात्रा होती है ना, ये वाली मात्रा नहीं आती कैप, ये वाली मात्रा आती है, शुद्ध रूप ये होगा, ठीक है ना साथियों, आपने ऐसा ही लिखा हुआ देखा होगा कई बार हिंदी की पुस्तकों में वाल्मीकि, और ये भी नहीं होगा इसमें, देखो मात्रा ये वाली नहीं आएगी, नहीं आएगी, ठीक है ना, वाल्मीकि ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, बी ऑप्शन होगा इसका वाल्मीकि, ठीक है साथियों। चलिए जी देख लेते हैं दूसरा, प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। देखिए जो प्रामाणिक नहीं होता ये प्रामाणिक होता है साथियों, प्रामाणिक, ठीक है, ये प्रामाणिक ये सब नहीं है, प्रामाणिक इसमें मात्रा गलत है, देखो इसमें ये मात्रा आनी चाहिए, ये वाली मात्रा है इसमें, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है साथियों, ए ऑप्शन होगा इसका। चलिए जी नेक्स्ट है आपका, 80 से 83 तक आपका क्या देखना है?
शुद्ध अक्षरों का शुद्ध अक्षर मतलब शुद्ध जो विकल्प हैं वे छांटने हैं। पहला देख लेते हैं, मुझे बुलाया है, मेरे को बुलाया है, ये वाला क्वेश्चन है, मेरे को बुलाया है, मुझे मेरे को बुलाया है, मुझे अपने को बुलाया है, ऐसे नहीं होता, ये तीनों आपके गलत हैं और ऑप्शन मुझे बुलाया है ये सही ऑप्शन है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 81, सत्य का विजय होता है, सत्य का शब्द गलत है यहाँ पे, सत्य का विजयी होता है, ये विजयी गलत है, सत्य का जीत होते हैं का गलत है, सत्य की विजय होती है ये सही है, डी ऑप्शन 81 का। ठीक है साथियों, चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी आपका 40 साथी, इसमें आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, गलत है, बोलने से ही आप समझ जाओगे, वाक्य को पढ़ने से ही आप क्लियरली समझ जाओगे। पति पत्नी के हेतु झगड़े का, ये ऐसा भी सही नहीं है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है साथियों, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा विकल्प बिल्कुल। चलिए जी नेक्स्ट है आपका, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देखिए साथियों, इसमें ये बिंदी गलत लगी हुई है, जो बिंदी है ना ये यहाँ पे आनी चाहिए थी, ठीक है, दूसरा है इसलिए गलत हो जाता है। दूसरा है आपका, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये सही है बिल्कुल, लोकतांत्रिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पर लोकतांत्रिक गलत लिखा हुआ है। ठीक है, भारत सबसे बड़ा देखो इसमें भी बिंदी नहीं है, यहाँ ये होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए आपके ये इसका ऑप्शन क्या हो जाता है साथियों, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कई बार आ चुका है, विभत्स रस का स्थायी भाव, जी हाँ इसका स्थायी भाव जुजुक्सा होता है। ठीक है साथियों, चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं हम, काफ़ी अच्छा सवाल है साथियों ये भी। करुण रस के देवता हैं, देखिए साथियों करुण रस की जो देवता है उनको यम को माना गया है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, करुण रस के देवता यम को माना गया है। नेक्स्ट है आपका 86, सात्विक अनुभव कितने होते हैं, देखिए साथियों जो सात्विक अनुभव की संख्या होती है वो 8 होती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए जी नेक्स्ट है, इसको ध्यान से समझना है साथियों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं, देखिए साथियों जब हम किसी छंद को पढ़ते हैं तो उसमें जो विराम आता है उसको यति बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यति, याद रखना है आपको। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यति किस चीज़ से संबंधित है, उसमें होगा छंद आपका और रस अलंकार, तो आपको याद रखना है यति का जो संबंध होता है वो छंद से होता है। ठीक है साथियों, चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं, देखिए साथियों मैं चौपाई छंद के बारे में बताना चाहता हूँ, चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है साथियों, और प्रत्येक चरण में 16-16 ही मात्राएं होती है, ठीक है ना, 16-16 ही मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, ये सममात्रिक छंद होता है। ठीक है साथियों, ये भी याद रखना है आपको, सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद का मतलब है समान मात्राएं वाले। ठीक है, और साथियों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, कि अगर आपको कोई टॉपिक अलग अलग करके पढ़ना है, यानी जैसे आपका छंद पढ़ने हैं, रस पढ़ने हैं, अलंकार पढ़ने हैं, या हिंदी वर्णमाला पढ़नी है, तो साथियों लगभग 9-10 वीडियोज़ मैंने हिंदी वर्णमाला पर बना रखे हैं, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स पे बना रखे हैं, और आप इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझना है इसको। इसने कहा 16 छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल मात्राएं होती हैं, देखिए साथियों क्या होता है, 16 छंद में पहले चरण में 11, फिर 13 है, ठीक है, तो ऐसे करके पूरी एक पंक्ति बनती है, फिर आपका क्या होता है दूसरी पंक्ति में भी ऐसा ही होता है, 11 13 फिर 11 फिर 13, ठीक है ना, तो ऐसे करके कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 2 पंक्ति होंगी, 24 मात्राएं होंगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहली और तीसरी में 11 11 मात्राएं और दूसरी और चौथी में 13 13 मात्राएं होती है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में आपकी 24 24 मात्राएं होती हैं, और उसने क्या क्वेश्चन पूछा है, 16 छंद की प्रत्येक पंक्ति में तो आपकी 24 मात्राएं हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा है ये भी, काफ़ी अच्छा सवाल है ये, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेशो लजात, कही के सब 13 ही हो मेरे ही की बात, देखिए साथियों कागज पर लिखत, अगर मैं तुम्हें बताऊँ इसमें छंद पूछा है, तो आप इनकी मात्राएं गिन लीजिए, जैसे कागज 2 मात्रा होंगी, फिर एक पर एक एक होंगी, फिर लिखत में एक 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 फिर एक, ठीक है, ऐसे अगर आप इनकी सारी मात्राएं गिनोगे 8 4 2 6 10 और एक ये मात्राएं 11, तो यहाँ पर कहीं पे वो भी होगा, कोमा भी होगा साथियों, ठीक है ना, तो आप इस मात्राएं गिन सक मतलब इस प्रकार मात्राएं गिन के साथियों लगा सकते हैं, इसमें कोमा छोटे हुए हैं साथियों, ठीक है ना, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, और इसमें मैं बता दूं आपको 2 छंद होगा,
है, आप मात्राएं गिन के, मैंने एक मात्रा गिनना तो मैं बता रखा है, मात्राएं गिन के इसमें दोहा छंद निकल जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। लास्ट है पीपर, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए साथियों, इसमें सरिस शब्द आया है और मैंने आपको बताया था, इस पर वीडियो है अलंकार पे भी, सरिस सा सी सम, ये जो सारे शब्द होते हैं, ये अगर ऐसे ऐसे शब्द आते हैं तो वे उपमा अलंकार होता है। ठीक है, और मैं तुम्हें इसका अर्थ भी बताना चाहता हूँ। इसमें उपमा अलंकार है, पीपर का मतलब होता है पीपल, और जो कवि ने इस पंक्ति में लिखा है, पात का मतलब होता है पत्ते, यानी कि कवि कह रहा है कि मेरा जो मन है पीपल के पत्तों के समान डोल रहा है। ठीक है, पीपल के पत्तों के समान मेरा मन डोल रहा है, तो इसके अंदर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है साथियों, और पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।